में पूछा जाए तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, यानी अपने 2 दिन तो हो गए एकीकरण पढ़ते हुए। अभी 2 दिनों के अंदर अपने यही चल रहा है ना, ये लफड़ाई चल रहा है कि भाई कौन सी रियासत मिलना नहीं चाहती थी, कौन सी रियासत मिलना चाहती थी, यही चल रहा है। हाँ, अभी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। अब देखो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ था। अब 7 चरणों में हुआ था, अब थे सोचो का ध्यान, इतना आसान प्रश्न थोड़ी पूछ सके। अभी कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछा गया था, 2 बार पूछा था इस प्रश्न को कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों के अंदर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, जैसे 7 चरण है ये, 7 चरणों के क्या पूछेंगे आपसे, नाम पूछेंगे। 7 चरणों के क्या पूछे जाते हैं, नाम, कि भाई 7 चरणों के नाम है वो नाम क्या थे। अब नाम आपसे पूछा जाता है तो प्रत्येक चरण का आपको नाम याद रखना है। जैसे मान लो अपने राजस्थान बनाते हैं, ये है अपना राजस्थान, यहां पर बनाया, राजस्थान बन गया, क्या मानना है अपने को, बन गया। ऊपरी ऊपर कौन सी दिशा होती है, नीचे पूर्व, यहां पर है और यहां पर है पश्चिम। नाम याद करवा दिए थे कि 7 चरणों के, बताया था कि कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में नहीं बताया था, चलो आज याद कर लेते हैं। नाम याद रखने की सीधी सी ट्रिक है, यानी यहां पर था दिल्ली, दिल्ली से कोई भी जैसे रियासती विभाग की बैठक वगैरह तो करवा दी थी हमने, यहां से कोई टीम चलेगी वो इधर से प्रवेश करेगी ना, क्योंकि आपदा लोगों की खास बात, आपदा शॉर्टकट चला है, लॉन्ग कट को नहीं आया, तो यानी यहां से तो आएंगे नहीं, इधर से आएंगे क्या, नहीं इधर से ही आएंगे। इधर से आएंगे तो पहले चरण के अंदर ये वाला क्षेत्र मिलता है, इधर वाला, दूसरे चरण के अंदर ये वाला क्षेत्र मिलेगा, ये वाला, यहां वाला, तीसरे चरण में एक रियासत यहां पर मिल जाएगी, चौथे चरण में ये बड़ा वाला क्षेत्र मिल जाएगा, पांचवा चरण में इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, छठे चरण में एक रियासत यहां पर सिरोही बची हुई थी वो हो जाएगी, सातवें चरण के अंदर यहां पर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा, 2 इसके क्षेत्र थे आबू दिलवाड़ा और कुछ एक कोटा और झालावाड़ के क्षेत्र थे, वो अपने मध्य प्रदेश को दिए और कुछ अपने क्या ले लिए, वापिस ले लिए थे, ये क्षेत्र थे। इनके 7 चरणों के नाम याद रखने, यानी इधर से याद रखेंगे सभी का, पहले चरण का याद रखेंगे तो यहां पर इस प्रदेश को प्राचीन समय में मत्स्य प्रदेश कहा जाता था, तो पहले चरण का नाम याद रख लेना, कौन सा नाम होगा, मत्स्य संघ हो जाएगा, पहले चरण का नाम क्या हो जाएगा, मत्स्य संघ। इंग्लिश में पूछे तो कौन सा हो जाएगा, मत्स्य यूनियन, मत्स्य यूनियन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रत्येक चरण के साथ साथ में लिखते रहो आप, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं लगेगा ना, साथ साथ में लिखते रहो। अब देखो पहले चरण का नाम हमने जान लिया, क्या नाम था, मत्स्य यूनियन हो गया। इस प्राचीन समय में इसको मत्स्य प्रदेश कहा करते थे, इसलिए इसका नाम केम मुंशी नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा कि इस क्षेत्र का नाम है वो क्या रख दिया जाए, मत्स्य संघ रख दिया जाए। तो किसकी सिफारिश पर रखा था वो अपने चरण पढ़ेंगे, पहला चरण उस वक्त पढ़ लेंगे। दूसरा यानी ये वाले क्षेत्र मिलेंगे यहां पर, तो कौन सी, कौन सा दिशा है, दिशा की बात करें तो पूर्वी दिशा है, तो अपने कह सकते हैं इधर वाले जो रियासत यहां से मिली थी, तो इस दूसरे चरण का नाम अपने कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान। क्या नाम था, पूर्वी राजस्थान, दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान। अब पूर्वी राजस्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राजस्थान यूनियन इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, राजस्थान यूनियन। अब मैं इंग्लिश में क्यों लिखवा रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको, है ना, राजस्थान यूनियन दूसरे चरण का नाम हो जाएगा। तीसरे चरण यानी उदयपुर है वो दूसरे चरण में मिल जाता, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि मेवाड़ रियासत का हमेशा से वर्चस्व था वो अलग से था, जिसकी वजह से क्या होता है कि उदयपुर के महाराणा ने बोल दिया था कि बोले अपने इनमें साथ में नहीं मिलाएंगे, इसलिए तीसरे चरण के अंदर स्पेशल रूप से एक उदयपुर रियासत वो अलग मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो तीसरे चरण का नाम इसके साथ मिली, किसके साथ, पूर्वी राजस्थान के साथ, मिलने को अपने कहेंगे इसके साथ मिल जाएगी तो संयुक्त पूर्वी राजस्थान हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त पूर्वी राजस्थान, संयुक्त पूर्वी राजस्थान हो जाएगा, इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। इनके बारे में पूछा गया, लिखो इन तीनों के बारे में, चौथे चरण का नाम लिखते हैं फिर फटाफट। लिख लिया, अब देखो तो आगे देखो, ये 3 चरण तो हो गए, चौथे चरण का नाम देखते हैं, यानी इधर से देखो ये यहां पर स्थान है, ये वाले बड़े बड़े जिले नहीं है क्या, यहां पर बड़े जिले, इसको कह सकते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, वरहत राजस्थान। तो चौथे चरण का नाम क्या रखा गया था, वरहत,
चौथे चरण का नाम रखा गया था भरत राजस्थान, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रेटर राजस्थान। क्या कहा जाता है? ग्रेटर राजस्थान। अभी जैसे मैंने शुरुआत में एकीकरण यूट्यूब पर करवाया था, उस वक्त मैंने इनके नाम लिखवाए थे, आज से लगभग 3 साल पहले की वीडियो है। एकीकरण के अंदर मैंने ये अंग्रेजी में नाम लिखवाए थे, अभी कॉन्स्टेबल एग्जाम के अंदर अंग्रेजी में नाम पूछे थे इनके। तो क्या है कि आजकल कंपटीशन है वो धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है, अब वो आपसे अंग्रेजी में पूछ सकता है। मेरी तो ध्यान में रखना कि अंग्रेजी में इसका नाम क्या है। तो भरत राजस्थान, भरत को बड़ा ही कहते हैं, बड़े को क्या कहेंगे? ग्रेट राजस्थान। अब फिर मैंने बताया आपको यहां पर देखो कि यहां पर ये वाला और ये वाला साथ में मिल जाएगा। किसके साथ में मिल रहा है? यानी संयुक्त रूप से ही मिल रहा है। तो पांचवें चरण का नाम हो जाएगा, जैसे तीसरे का हमने किया था वैसे ही पांचवें चरण का नाम हो जाएगा संयुक्त भरत राजस्थान। अंग्रेजी में जिसको कहेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान ये पांचवें चरण का नाम हो जाएगा। छठे चरण के अंदर क्या मिलता है? छठे चरण में एक ये मिली थी सिरोही रियास। हाँ, लगभग 4 चरणों में तो अपने राजस्थान का एकीकरण हो गया था, लेकिन छठे चरण के अंदर एकमात्र रियासत मिलती है, वो कौन सी रियासत मिली थी? सिरोही रियासत मिली थी। लेकिन फिर भी इसके बारे में पूछा जाए कि सिरोही रियासत का विलय कितने चरणों में हुआ था? तो 2 चरणों में हुआ था, मैंने बताया था ना। तो छठे चरण का नाम हो जाएगा, छठे चरण के अंदर अपने संवैधानिक रूप से अपने राजस्थान को मान्यता राजस्थान नाम से मिल गई थी। पहले इसको राजपुताना कहा जाता था, इसलिए छठे चरण का नाम कह सकते हैं अपने राजस्थान संघ। राजस्थान संघ इसे कह सकते हैं। तो जिसको अंग्रेजी में कहेंगे यूनाइटेड राजस्थान। क्या कहेंगे? यूनाइटेड राजस्थान इसको कहते हैं। सातवें चरण के अंदर अपने वर्तमान स्वरूप आ गया था, सातवें चरण के अंदर तो अपने कह सकते हैं वर्तमान राजस्थान। सातवें चरण का नाम क्या था? वर्तमान राजस्थान, जिसको कहते हैं रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान इसको कहते हैं। ये 7 चरणों में, नाम तो साथ में याद रखने ही रखने आपको, लेकिन इन 7 चरणों के आपको ध्यान में रखना है। साथ में अंग्रेजी में नाम, पहले चरण का अंग्रेजी में नाम पूछे मत्स्य यूनियन, दूसरे का राजस्थान यूनियन, तीसरे का यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, चौथे का हो जाएगा ग्रेटर राजस्थान, पांचवें का हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, छठे का हो जाएगा यूनाइटेड राजस्थान, सातवें का हो जाएगा रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान। ये 7 चरणों के क्या है? 7 चरणों के नाम है। 7 चरणों के नाम साथ में तो है हिंदी के अंदर है, और साथ में ही आपके इंग्लिश के अंदर है। तो ये आपसे पूछे गए हैं, अभी कॉन्स्टेबल एग्जाम के अंदर ये आए थे, ठीक है। तो आप अंग्रेजी में भी इनका नाम याद रख लेना, ये 7 चरणों के नाम याद रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या क्या याद रखना है? अब प्रत्येक चरण का राज प्रमुख याद रखना है, राज प्रमुख, और राज प्रमुख के बाद में आपको याद रखना है उद्घाटन करता कि प्रत्येक चरण का क्या याद रखना है? उद्घाटन करता। उसके बाद में आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। इतना और याद रख लोगे ना, उसके बाद एकीकरण अपने लिए आसान हो जाएगा। इतना और याद रख लोगे, एकीकरण की हो जाएगा अपने लिए आसान हो जाए। क्या आसान हो जाए? देखो, राज प्रमुख सीधी सी बात है, आपने दिमाग में ज्यादा लगाने की जरूरत ही को नहीं। अपन यह पूछे भाई जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। सुना? अब कन्फ्यूजन कहां पर होते हैं विद्यार्थी? क्या होता है कि यहां पर अगर वो ऐसे पूछ लेता है ना आपसे, आपसे पूछेगा कि भाई प्रथम चरण के या फिर दूसरे चरण के राज प्रमुख कौन थे, तो अब सभी के नाम याद रहेंगे कि भाई राज प्रमुख उद्घाटनकर्ता में आएगा या प्रधानमंत्री में आएगा, राज प्रमुख सारा सिस्टम मिक्स हो जाए भी बंचन खातर अपने त्रिक है कभी अपन किया त्रिक हूं याद रखान राज प्रमुख। तो मैंने क्या बताया, जंगल का राजा क्या होता है? शेर। शेर को हिंदी में क्या कहते हैं? लोयन नहीं कहते, लोयन तो अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन अंग्रेज जो सिंह हिंदी में एक और शब्द है ना, प्राइवेसी शब्द, सिंह नहीं होता क्या? यानी राज से याद रखो राजा, राज से क्या याद रखोगे? राजा। राजा जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर का मतलब है सिंह। जिनके पीछे नाम के पीछे सिंह लगा है वो सारे के सारे क्या है, क्या होंगे? राज प्रमुख होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे? राज प्रमुख। जैसे अभी बात करें, देखो पहले चरण के अंदर बनता है उदय, पूरा नाम है उदय भान सिंह है, हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट में क्या लगा? दूसरे चरण के अंदर बनते हैं भीम सिंह। कौन बनते हैं? भीम सिंह। लास्ट में सिंह लगा कि नहीं लगा? तीसरे चरण के अंदर बनते हैं मेवाड़ के भोपाल सिंह। कौन है? भोपाल सिंह। लास्ट में क्या लगा है? सिंह लगा है कि नहीं लगा? चौथे चरण के अंदर बनते हैं मान सिंह। लास्ट में क्या लगा है? सिंह लगा है कि नहीं लगा? लेकिन ये मान सिंह थोड़ी ध्यान में रखना, ये सेकंड है, पहला जो हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर के, है ना, याद होगा? हल्दीघाटी युद्ध में जो अकबर की ओर से आता है ना मान सिंह, जिसकी वजह से हल्दीघाटी युद्ध अपने मानते हैं कि इसी के कारण हुआ था, कुछ एक ग्रंथों के अनुसार।
जिनके पीछे सिंह लगा है वो सारे के सारे क्या है, राज प्रमुख है। वैसे ट्रिक से याद रखो, उदय भीम भूपाल मान सिंह, चार नाम याद रख लो। पहले चरण का उदय मान सिंह है, यानी सारों पहला पोत ऐसे याद रखना है आपको। अगर याद ऐसे ना रहे तो सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है, धौलपुर में, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है, धौलपुर में। तो उदय मान सिंह का संबंध कौन सी रियासत से हो जाएगा, धौलपुर से ही हो जाएगा। बाकी जहां पर राजधानी बनेगी वही क्या है, राज प्रमुख है। अभी आगे इनको समझेंगे विस्तृत रूप से कैसे याद रखनी है, उद्घाटनकर्ता कैसे याद रखे। अब देखो उद्घाटनकर्ता याद रखना सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है, ये पहला दूसरा तीसरा चार चरणों को याद रखो एक बार। यहां पर भी कितने चरणों को याद रखने अपने, चार चरणों के, तीन और चार। अब देखो चार चरणों को याद रखना, एक बात सोचो कोई भी कार्य करते हैं अपने, शुभ कार्य करते हैं, उद्घाटन करते हैं, उस उद्घाटन करेंगे तो सबसे पहले किसको याद करते हैं, गणेश जी को। गणेश जी क्या है, यानी मैंने याद करो, नॉर्मल सी बात है, मेरे प्राइवेसी शब्द है, हालांकि कहते तो गजानंद जी है, उन्हीं को ही नहीं कहते क्या, याद तो मैंने करो। अब क्या हुआ कि कई बार किस आगे अपनी लड़ाई हो जाए, मान लो मेरी लड़ाई हो गई किसी के साथ, वो घर में कोई शुभ कार्य करवा रहा है, लेकिन सबसे पहले सॉन्ग कौन सा बजेगा, घर में पधारो गजानंद जी, याद तो करना पड़ा ना, वही बात है। उद्घाटन करता जैसे किसी कार्य को आप अच्छा कार्य कर रहे हो, उद्घाटन कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, कोई शुभारंभ कर रहे हो, आप उद्घाटन करोगे सबसे पहले किसको याद किया, गणेश जी को याद किया। गणेश जी जैसे गॉड ही तो है, भगवान ही है, तो सबसे पहले आपके लिए गॉड हो जाएगा, कौन हो जाएगा, गॉड हो जाएगा। पहले चरण के अंदर हो जाएंगे गॉड गिल, बस उद्घाटन करता पहले चरण में कौन है याद रह जाएगा, पहले उद्घाटन करेंगे तो किसको याद करेंगे, गॉड को याद करेंगे। फिर वो गॉड तो है ही है, उसके बाद अपने गॉड कौन है, माता पिता ही, दूसरे गॉड, दोबारा कौन से गॉड को याद करेंगे, अपने माता पिता को याद करेंगे, फिर किसको याद किया अपने, फिर गॉड को याद किया, दूसरे चरण में कौन है, गॉड गिल। अब देखो दोनों अपने भी, ऊपर वाले को भी याद कर लिया, नीचे वाले को भी याद कर लिया, आस पड़ोस को भी तो याद करना पड़ेगा, आस पड़ोस में कौन रहते हैं, चाचा जी रहते हैं, तीसरे चरण के अंदर कौन है, चाचा जी, और चाचा जी किसको कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। अब देखो उसके बाद में मान लो आपका कार्य अच्छा चलने लग गया तो आप क्या कहलाओगे अपने आप में भी, मैं सरदार हूँ। हाँ सरदार कितने आदमी थे रे, तो आप कहोगे थे कितने ही हो, अब तो मैं किंग ताबे को नहीं हूँ, हैं वही बात है, आप क्या बन गए फिर, आप सरदार, यानी दो बार गॉड को याद किया, फिर आपने चाचा जी को बुलाया, फिर आप क्या बन गए, इस क्षेत्र के सरदार बन गए, जिस कार्य में आप कार्य करो। सरदार का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोडगिल है एनवी गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल इसका पूरा नाम है, तब उनको याद कर लेंगे जब इनको लिखेंगे तब, ठीक है। अब ये हो गए उद्घाटन करता, वो हो गए राज प्रमुख, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको याद रहेगा दिमाग में कि उद्घाटन करेंगे तो गोड को याद करेंगे, तो ये तो जाएंगे उद्घाटन वाले क्रम। राज प्रमुख पूछेगा तो लास्ट में क्या लगा हुआ मिलेगा, सीए लगा हुआ मिलेगा, वो सारे राज प्रमुख हो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री की ट्रिक आई, भाई प्रधानमंत्री को कैसे याद करना है, प्रधानमंत्री को याद करने का एकदम आसान सा तरीका है, प्रधानमंत्री को याद रखो तो दो ट्रिक है आपके पास, एस जी एम एच, इससे याद रखो तो एस से याद रख सकते हो, एस जी एम एच, यानी एक एक नाम उठा लो, एस से, एस से कौन हो जाएंगे, शोभाराम कुमावत, जी से कौन हो जाएंगे, गोकुलाल भट्ट नहीं है, गोकुलाल असावा है, यहां पर भट्ट से आतलगांव सिरोही से है, एम से हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा, एच से हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, ऐसे याद रहे तो ठीक है, ऐसे याद ना रहे तो एक नाम बना लो, जैसे कोई अपना नाम के आगे जैसे लगाता है ना, जैसे गोदारा प्रदीप अपने नाम के आगे नहीं लगाता क्या, जैसे मान लो कि कोई सऊ है तो सऊ प्रदीप अपने नाम के आगे जात लगा लेता है, गोत लगा लेता है अपनी, वही याद रखना आपको, एक नाम याद रखना आपको, कुमावत, कुमावत गोकुल वर्मा, क्या याद रखना आपको नाम है, कुमावत गोकुल वर्मा, होता है ना पहले कोई अपने नाम के आगे लगा लेता है ना, तो कुमावत गोकुल वर्मा किसके पास गए, कुमावत गोकुल वर्मा शास्त्री के पास गए, किसके पास गए, शास्त्री के पास गए, किस लिए गए, बोल देख कहो भाई शास्त्री जी, शास्त्री कन की खातर जावा पा, हाथ दिखाने जावा, बताओ भाई नौकरी कद लाग सिया, ब्याह कद दोषी, ऐसा बहुत सा सवाल अपने दिमाग में आ जाता है, बाकी कंजाला शास्त्री कंजा। अब देखो कुमावत गोकुल वर्मा किसके पास गए है, शास्त्री के पास में गया है, किसके लिए गया था, बोला देखो भाई प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाथ देखकर बता दो, तो इसने शास्त्री ने कहा, बोला आप तो बनो ही बनोगे लेकिन साथ में कौन बनेगा, मैं भी बनूंगा। तो याद रखना है कुमावत से पहला कौन हो जाएगा, कुमावत से शोभाराम कुमावत, गोकुल से कौन हो जाएगा, गोकुलाल असावा, वर्मा से कौन हो जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा, शास्त्री से हीरालाल शास्त्री, चार चरणों के हुए कि नहीं हुए, तो इनको चारों चरणों के प्रधानमंत्री की सीधी ट्रिक अपने यहां पर लिख लेते हैं। पहला लिखो, पहला कौन हो जाएगा, कुमावत से कौन हो जाएंगे, शोभाराम कुमावत, इनके बारे में विस्तृत व्याख्या सहित पढ़ेंगे,
भाई ये कहाँ से है कहाँ से नहीं है इनके बारे में पढ़ लेंगे। दूसरे में कौन हो जाएगा, दूसरे के अंदर हो जाएगा गोकुल लाल असावा, कौन हो जाएंगे, गोकुल लाल असावा हो जाएंगे, गोकुल लाल असावा ये दूसरे चरण के अंदर हो जाएंगे। तीसरे चरण में अगर आपसे पूछे कि भाई तीसरे चरण में बताओ, तो तीसरे चरण के अंदर कौन हो गया, वर्मा से किसको याद रखेंगे, माणिक्य लाल वर्मा को याद रखेंगे, माणिक्य लाल वर्मा हो जाएंगे। और चौथे में कौन हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री, शास्त्री से किसको याद रखेंगे, हीरालाल शास्त्री को याद रखेंगे। बताओ कहीं पर कोई दिक्कत है क्या इन चारों में। एसडीएमएस से याद रखो तो एसडीएमएस से याद रखो, कुमाउत गोकुल वर्मा शास्त्री से याद रखो तो हाँ सो गयो माही ऐसे भी याद रख सकते हो, सो गया माही, सो गया माही, कौन सो गया माही, ये भी आप याद रख सकते हो। देखो सो गया माही, सो गया माही, यानी सो से सोबाराम कुमावत, गय से गोकुल लाल असावा, मा से माणिक्य लाल वर्मा, ई से हीरालाल शास्त्री, कैसे भी याद रख सकते हो आप। बस आपके दिमाग में ट्रिक बहुत ज्यादा बन जाएगी, आपके दिमाग में ये आनी चाहिए हिस्ट्री की आल क्लासेज आप लोग यहां सुसर लेंगे, दोनों ही लेंगे। यहां पर सो गया माही,